दिल्ली में गर्मी के दिनों में आग लगने के वाकयात में इजाफा देखने को मिल रहा है। कभी शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है तो कभी कंप्यूटर से आग तो कभी एसी की वजह से आग लगने के वाकयात सामने आ रही हैं। हाल ही में दिल्ली के शाहीन बाग के एक रेस्टोरेंट में आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आखिर आग लगने की वजह क्या थी, क्यों अचानक आग लगी और इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया? सलाम टीवी की नुमाइंदा जोना शिरानी ने हालात का जायजा लिया। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कई जगह से आग लगने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में दो दिन पहले शाहीन बाग के 40 फुटा रोड पे भी आग लगी है, जिसके चलते करोड़ों का नुकसान हुआ है। ऐसे में पहुंचा है सलाम टीवी ग्राउंड जीरो पर आग लगने की वजह जानने। आइए हम आज बात करते हैं कुछ लोगों से जो कल यहां पे मौजूद थे। तहसीम नाम है मेरा, तहसीम खान। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम यहीं रहते हैं और ये हमारे जावेद साहब हैं। हाँ, और यहीं हमारा रहना है, यहीं हमारा रिहाइश है आगे। तो यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, यहाँ पे जायरा के हैं और यहाँ शाहीन बाग के भी इतने लोकल, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो काबू पवा ली। फिर हुआ क्या, दरअसल BSS वाले जो उनको कॉल की गई लाइट ना कटने के कारण, जो दोबारा जो आग लगी है, फिर यहाँ पे हमारे पास कोई साधन नहीं बचा। वही कारण हुआ कि हमारे पास कुछ था ही नहीं इसको हम दोबारा कंट्रोल कर लें। फिर लाइटिंग का मसला ये हो गया कि BSS वालों ने लाइट नहीं काटी। दूसरा कारण ये बना कि हमारे पास जो आपकी फायर ब्रिगेड है वो लेट आई है, और जो इतना बड़ा हादसा हुआ है ये बस यही कारण है कि लाइट नहीं कटने से नुकसान हो गया। जो इतना बड़ा ये रेस्टोरेंट जल गए, आस पड़ोस वालों को भी नुकसान पहुँचा, और यहाँ के आवाम का बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने इतनी मेहनत की। यहाँ बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे एक का देख के, और हमारे कोशिश तो सब जलाया, इसको बुझाने की पूरी कोशिश करी पर वो कंट्रोल नहीं हो पाई क्योंकि कोई साधन ही नहीं था यहाँ पर किसी के पास जो बुझा पाते इसको। और BSS से भी कंप्लेंट की, थोड़ा लेट हो गया वहाँ पर भी, फायर ब्रिगेड तो आ गई थी बट वो आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्योंकि ट्रैफिक रहता है यहाँ पर, एक से डेढ़ घंटा लग गया था आने। ना ना ना, टाइम नहीं, जल्दी आ गई थी जाम के कारण वो नहीं आ पाई। बाकी उन्होंने भी सपोर्ट किया, ऐसा नहीं है, उन्होंने लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, तो यहाँ की पुलिस कर्मचारी उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया और अच्छा लगा। पुलिस भी इतनी पूरी इतनी पुलिस भी आ गई बहुत बाद में के लिए, लोगों ने भी बहुत, हम इसको बचा नहीं पाए। इसको बचाने का मतलब यही हुआ कि हर चीज़ लेट हुआ। अगर उस टाइम BSS वाले लाइट काट देते तो हो सकता था यहाँ के पानी जो छोटा मोटा पड़ता तो उसको जो है बचा सकते। इश्यूज BSS का ही है, जो तारों की वजह से आग उसी से लगी है, बाकी तो रेस्टोरेंट से तो आग नहीं लगी, तार आग उससे लगी है, बच नहीं पाया, मतलब उसको रोक नहीं पाया, आग को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो इसलिए आग बढ़ गई वो थोड़ी सी। और जितना लोगों से कर सकते थे उतना किया, उसके बाद इंतजार ही करा कि किसी तरीके से मुझे MBI क्या नाम है, फायर ब्रिगेड आई, उसको आने का तो बुझाने की कोशिश करी लोगों ने। यहाँ तक कि मोहल्ले के बहुत सारे लोगों ने छतों पर छोटे छोटे पानी भी डाला, किसी भी तरीके से लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, इतना ही रहा यहाँ पर। बाकी तो आपके सामने ही जो आप देख रहे हैं सब कुछ क्लियर है। ये बताइए कि यहाँ पर किसी को जान का नुकसान हुआ या कुछ भी जले कुछ लोग? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर लोग किसी का भी जो है जान का नहीं, माल का तो है लेकिन जान तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी की नहीं हो गई। और यहाँ जो सपोर्टिंग हुई इसके वजह से ही बहुत कुछ बचा लिया गया, लेकिन रेस्टोरेंट में कुछ नहीं बचा, सब कुछ जो है सब माल का ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो जान का जान किसी का नहीं, सब बच गई, सब बची जान। ये बहुत अच्छा है कि किसी हताहत कोई नहीं हुआ, किसी को कोई एक खरोंच भी नहीं, कोई इतना सा नहीं जला। बस जो नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हुआ है, जो भी चीज़ें हैं रेस्टोरेंट्स का नुकसान हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसान होगा लोगों के, मतलब जिन लोगों ने बड़ी मेहनत से चीज़ें करी थी वो बड़े नुकसान हो गए। अब कैसे क्या होगा, सर्वाइव कब तक होगी, चीज़ें पता नहीं है। बाकी हाँ, लोग किसी को नुकसान नहीं हुआ इसके अंदर, लोग एकदम सेफ हैं सबके साथ। ये हुआ जो है शॉर्ट सर्किट से हुआ है, लेकिन और लोगों का किसी का मानना है कि भाई रेस्टोरेंट है यहाँ या किसी सिलेंडर से या किसी आग से, नहीं वो नहीं, लेकिन ये शॉर्ट सर्किट आप देख रहे हैं यहाँ पर हुआ है, शॉर्ट सर्किट में फर्स्ट टाइम भी हुआ, फिर 30-35 मिनट में 5 मिनट में सुहा हो गया। तो यही है सब नुकसान, तो सब टोटल रेस्टोरेंट। हवा ने भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर, हवा से ही सारी हवा घूमी, गाड़ी जो खड़ी थी पता नहीं कितनी, पूरी गाड़ी जो हमने गाड़ी पूरी गाड़ी है, इसका भी गाड़ी निकालने का मौका भी नहीं मिल पाया इसको, गाड़ी निकल जाती और पूरी गाड़ी जल गई। तो ये आपके किसी जानने वाले का था? नहीं, यहीं पर ही खड़े हुए रहते हैं, उन्हीं की थी, ये सब यहीं के हैं सारे मोहल्ले के लोग।
पतली गलियां हैं यहाँ पे, तो फिर भी 40 फुट रोड है, अगर अंदर गलियों में आग लग जाए तो फिर कितनी मुश्किल सिचुएशन हो सकती है सब। अब जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे तार हैं, गुच्छा बना हुआ है, शॉर्ट सर्किट फिर से हुआ तो ऐसी गलियां बहुत हैं यहाँ पे जिसकी वजह से आग लग सकती है। इसके लिए थोड़ा इससे अलग हो जाए तो और अच्छी बात है, नहीं, जैसे, नेट तो सभी की जरूरत है, किसी को नेट की जरूरत कैसे, ये इन्होंने छोड़ रखे हैं तो ये चीज थोड़ा हैंगल बन जाएगा ना तो बाहर निकल जाएंगे इसके। पर तार सिर्फ और सिर्फ नेट के नहीं है, और भी बिजली के तार हैं जो कि, हाँ, तो आप लोगों ने कभी कंप्लेन करी इस बारे में कि इतने सारे गुच्छे बने हुए हैं यहाँ पे और कभी भी आग लग सकती है? ये तो यहाँ की जो प्रशासन है उसको देखना बहुत ज़रूरी है कि भाई यहाँ पर क्या है सिस्टम, वो देखना उनको ज़रूरी है। तो लोग नहीं, जितना हो सकता है लोग उतना ही बोलेंगे, उससे ज़्यादा कोई बोल ही नहीं सकता भाई कितना क्या हो रहा है। कंप्लेन तो लोग करते हैं भाई अपनी सेफ्टी के लिए, हर इंसान चाहता है कि भाई मेरे घर के आगे करंट या किसी भी चीज़ के लिए फायरिंग ना हो। और भी यहाँ पे काफ़ी पतली गलियाँ हैं जिनमें इससे भी ज़्यादा तार मिलते हैं और बिल्कुल सर छूने तक की कगार पे आ जाते हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे कि वहाँ पे अगर आग लगी तो ब्रिगेड पहुँच भी नहीं पाएगी? हाँ, बिल्कुल सही बोला है आपने इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये तो चौड़ा रोड था तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड आने में थोड़ा सा परेशानी वगैरह आ गई, इजीली काम हो गया है। पर अगर अंदर गलियों में ये सब चीज़ होती है तो उसका नुकसान तो बहुत हो सकता है, उसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालना चाहिए, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए कि आगे कोई नुकसान ना हो इस तरीके का। तो लोगों को और प्रशासन को दोनों को मिलकर इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए। आप आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या था। ये बताइए हम जी कि यहाँ पे क्या हुआ था? ये आग जो लगा था शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा था, ठीक है। मैं उस टाइम में तो नहीं था, मैं 5-10 मिनट बाद आया था तो देखा था कि आग काफ़ी फैल चुका था इसमें, लगभग 5 के आसपास में ऐसे ही लगा था। अच्छा। ठीक है, क्या लगता है आपको किस वजह से लगा? शॉर्ट सर्किट हुआ था, बिजली का शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगा था। जब मैं आया तो देखा कि पूरा जल रहा, तो हम लोग भी अपना भागने लगे कि भाई जान बचाओ। बस उसके बाद में फिर दमकल जो है उनको फ़ोन किए फायर ब्रिगेड वाले को कि भाई जल्दी आओ, लेकिन आने में थोड़ा टाइम लग गया था, 1 घंटे के लगभग लगने के बाद में जब तक जल के पूरा ये ख़त्म हो चुके थे जहरा जयका, तब जा कर के वो आए थे। सारे रेस्टोरेंट्स आपके दुकान के सामने ही है जी, आप ऑब्वियसली भागे होंगे यहाँ से? बिल्कुल, सब लोग भागे थे, हम क्या, सब लोग जितने थे सब लोग भागे जान बचाने के लिए, क्योंकि सबको डर है जान का, इस वजह से सब लोग भागे। हम लोग भी काफ़ी दूर भागे हुए थे, दुकान में हमारा खुला ही था, फिर बाद में जब आग खत्म हुआ तब जा करके हम लोग सेटर वेटर गिरा के बंद किए। बड़ी गलती है ये लाइट वाले की, जब मतलब आग लगा उसके लगभग 1 घंटे तक लाइट नहीं कर रहा है, अगर टाइम पर लाइट कट जाती तो आग से रुक सकता था। और उससे बड़ी गलती जो यहाँ पर वाईफाई का जो तार लगा हुआ है वो है, जब इनको वायर खराब हो जाती है तो इसको हटाते नहीं है, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं और उसमें ज़्यादा समय तक आग लगा और टाइम पे फायर ब्रिगेड भी नहीं आया। यहाँ पर पूरा मतलब आने का सब सुविधा था लेकिन टाइम पे नहीं, कुछ भी नहीं आया, सब ऐसे ही जलता रहा। जब सारा जब जल गया, जलने के बाद वहाँ तक लाइट मतलब आग सारे फैल गई, उसके बाद फायर ब्रिगेड मतलब आया। तो आप लोगों ने कभी कंप्लेन करी है कि इतने यहाँ पे तार ये लोग छोड़ जाते हैं? कंप्लेन तो अभी हम अभी तो कुछ किए नहीं है, मतलब सब तार ऐसा ही कैसा ही रहता है, कुछ नहीं हुआ, सब जो भी खराब हो जाता है तार यहीं कहीं छूट जाता है, कोई भी नहीं हटाता है, इसी की वजह से आग ज़्यादा देर तक इसमें मतलब ठिका रहा, नहीं तो आग उतना नहीं लग पाता यहाँ पे। अच्छा, आप यहाँ पे थे कल? हाँ, हम यहीं पे थे। आप लोग सब दौड़े होंगे पानी लेके बुझाने के लिए? पानी का पूरा मतलब जो अग्निशामक जो होता है फायर ब्रिगेड करने वाला वो भी सब खत्म हो गया था, उससे कुछ नहीं होता, आग बहुत ज़्यादा पकड़ चुका था वहाँ पे, 1 घंटे तक लगभग लाइट रहा, लाइट अगर कट जाती तो वहाँ से कुछ कंट्रोल हो जाता। हाँ, सिलेंडर टाइम पर सब निकल गए थे। अच्छा। वो जो जावेद निहारी का है वहाँ तक आग यहाँ तक लगा था, वहाँ तक का सारा सिलेंडर मतलब जो 9 नंबर पे जाकर लेंदी 9 नंबर वहाँ पे हम जाकर सब मतलब सिलेंडर ला कर रख दिए थे। मैम ऐसा है यहाँ रस रहता है, जाम रहता है बहुत, आग ले जा भैया, यहाँ पर इस इलाके में रस रहता है, जाम रहता है बहुत तगड़ा, अंदर आने के लिए कोई जगह तो है नहीं गाड़ी घोड़े की, बहुत टाइम लगता आने के अंदर, थोड़ी सी आग लगी थी इसके अंदर, थोड़ी चिंगाई लगी थी आने में, आज थी 1 घंटा लगा कम से कम गाड़ी आने में, पुलिस टीम की पुलिस आ गई दिल्ली, कुछ बहुत जल्दी टीम पर आ गई, जल्दी टाइम पर आ गई थी। यहाँ बहुत भीड़ रहती है, यहाँ अलाउ नहीं पाए तो होटल अलाउ ही नहीं है ऐसे महल्ले में, ये सब घर हैं महल्ले हैं, यहाँ कोई मर जाए तो आदमी निकल सकता, पैदल निकल सकता, इतना बुरा हाल है, यहाँ जाम रहता है गाड़ी घोड़ा, अब ये फ्लैट वाले रह रहे बेचारे क्या करते हैं बताओ, इतना बुरा हाल है, हम खुद रहते हैं, हमारा मकान है, अपनी गाड़ी लाते हैं अंदर आ नहीं सकते हम बिल्कुल भी, इतना बुरा हाल है। नहीं नहीं हटाया, रास्ता दिलवाया हम खुद साथ में तो उसके। अच्छा। हाँ जी, तब भी जगह नहीं मिली यहाँ पर, इतना
आगे दुकान दुकान कहाँ रेडी, फिर रेडी का एक रेडी, तो आज भी बताओ क्या करेगा यहाँ, रास्ते बंद कर रखे सारे। फायर ब्रिगेड टाइम पे आ गई थी। सही टाइम पे आधे घंटे लेट हुई है जाम में, देखो दूर से आती है जाम लग रहा है एकदम एकदम, तो आती नहीं गाड़ी। दिल्ली पुलिस हमारी हेड बिल्कुल मौके पाई है, SHO साहब बिल्कुल मौके पाए हैं, सब मौके पाए हैं, बिल्कुल सबको हटाया है, पब्लिक को हटाया है, अंदर से पब्लिक को निकाला है, कोई कोई हादसा नहीं हुआ यहाँ पर। आप किसी को जानते थे जो अंदर था? ये सब लेबर के आदमी थे यहाँ पर, जितने भी थे काम करने वाले थे बेचारे, इन्होंने अपना सामान बचाया, खुद अपनी जान बचाई, अपना सब कुछ बचा के निकले बाहर। ये कौन से रेस्टोरेंट से स्टार्ट हुई थी ये? इसी से हुई है, क्या नाम है? जायका। हाँ जी, ये दोनों का अलग अलग था। सबसे पहले इसमें लगी आग, थोड़ी सी आग लगी है उससे फैल गई आग, गर्मी का टाइम चल रहा है, रोकने की कोशिश की, बहुत कोशिश करी रोकने की। देखो आग आग यही चीज है, रुकती नहीं, एकदम से फैलती चलेगी। प्लास्टिक लगा हुआ, लकड़ी लगा हुआ अंदर, कहाँ रुक जाएगा बताओ आप? AC फूक गए, सिलेंडर फूक गए, तो आग तो बढ़ेगी ना। और लाइसेंस नहीं दुकान हो किसी का, बिना लाइसेंस बैठे यहाँ पर, लाइसेंस तो हो कम से कम, काम कर रहे हैं लाइसेंस तो होना चाहिए, बिना लाइसेंस बिठा रखा लोगों ने। चलो जी, यह असल में क्या किराया क्या पड़ी है, मोटा किराया रहा खाने के लिए। आप आदमी अपनी सेफ्टी नहीं देख रहा ना, मुझे मुझे बचना नहीं बचना, पूरे रोड जाम कर रखे हैं। खंभे की शॉर्ट सर्किट से लगी है ना, आग भी लगी है, कोई रेस्टोरेंट से थोड़ी ना लगी है, ये खंभे की शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। आप कह रहे हो लाइसेंस नहीं कर रखा, ये खंभे की शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, कोई रेस्टोरेंट की वजह से आग लगी है भाई? तो होटल में थोड़ी ना लगी आग, पहले खंभे पे आग लगी है। हाँ तो खंभे से आग लगी है ना, ये तारों की वजह शॉर्ट सर्किट हो। आप रेस्टोरेंट बता रहे हो कि रेस्टोरेंट के अंदर से आग लगनी शुरू हुई है, आग लगनी शुरू हुई है यहाँ पे, शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद में यहाँ से आग लगनी शुरू हुई है, हवा की वजह से, हवा तेज थी, उसने बोर्ड ने आग पकड़ी है यहाँ से, उसके बाद आग लगती चली गई है। होटल वालों ने मारे तब जाके 9 सिलेंडर यहाँ पे हम लोग खत्म कर चुके हैं, पहले 5 विकेटर के, उसके बाद में आग बुझी नहीं, फिर ऊपर से वायर लटक रहा था उसमें आग लगती चली गई, फिर उसके ऊपर बोर्ड ने आग पकड़ी है। हम हमारी शॉप है, वो एक शॉप है यहाँ पे, हम मार्केट वाले हैं, ये आके बार बार के बोल जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। नहीं तो ये गलियों में जितने भी तार हैं इसके लिए कुछ तो प्रिकॉशन लेना चाहिए। मैम ये तो सरकार, मैम ये तो ये पब्लिक का काम नहीं है ना। आप कंप्लेन करिए इस चीज में, पहले हम कर भी चुके हैं मार्केट वाले, घर के बराबर में आ रहे हैं, अभी मुस्तफाबाद में कल आग लगी है, मैं यही देख रहा था, गलत इन्फॉर्मेशन देके चले जाते हैं, वहाँ पर आग लगी मुस्तफाबाद में, तो इसके लिए कुछ होना चाहिए ना, सरकार को करना चाहिए ना इसके लिए, तो कुछ हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो आम नागरिक है, उन्हें देखना चाहिए सब, तो इतनी आग लग रही क्यों लग रही है, किसकी वजह से लग रही है, उस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी ये जो लोग बोल रहे हैं कि इसकी वजह से लगी उसकी वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। अपडेट करना चाहेंगे तो हमारे पास दूसरे की बात सुनने से कोई ये नहीं, हमने जो कहा, हमने इसलिए कहा, ठीक है, जो भी लोग बोल रहे हैं कि अगर ये गैस फटने की वजह से हो रहा है, नहीं ये सब गलत बात है, हमारे पास सबूत के तौर में वीडियो है, ये शॉर्ट सर्किट होने के बाद में बहुत लोग बुझाने की कोशिश की लेकिन आप काबू में नहीं आ पाया, एक घंटे के बाद फायर ब्रिगेड आए, तब तक ये जल कर राख हो चुके। आइए हम किसी और से बात करते हैं इस मुद्दे पे। आपका नाम बताइए। नाम मेरा शिवली मिर्जा है, मैं यही मार्केट में रहता हूँ, ये मेरा छोटा सा रेस्टोरेंट चलता है, और जो है एक छोटी सी खंभे की आग ने जो है इतना एक बड़ी आग पकड़ ली, एक छोटा सा BSS का शॉर्ट सर्किट हुआ था, BSS का, तो जो वो जो पोल है वो जहरा की बराबर में है, तो उस पोल से आग, वहाँ पर बहुत सारी नेट की वायरें लग रही थी, तो एक छोटे से सर्किट ने उन नेट के वायरों ने आग पकड़ ली, उससे उस पूरे खंभे के अंदर जो है, जो जहरा की बगल में खंभा लग रहा है, उस पूरे खंभे पे आग लग गई। जहरा वालों ने, पड़ोस के लोगों ने, बेचारों ने बहुत सारी बॉलें इस्तेमाल करी, आग बुझाने वाली सिलेंडर इस्तेमाल करे, मोहल्ले के जो आसपास के रेस्टोरेंट हैं उन्होंने भी बहुत सारी सिलेंडर इस्तेमाल करे, पर वो नेट की तारों की वजह से आग लगती चली गई, जिससे उस जहरा में आग लग गई, फिर जहरा में आग लगते लगते इसमें आ गई, जायका में आग लग गई, फिर एक बिस्मिल्ला रेस्टोरेंट है उसमें आग लग गई, तो आग बढ़ती चली गई, और आग बुझाने वाली गाड़ियाँ थोड़ा लेट आई, प्रशासन थोड़ा जल्दी आ गया था, यहाँ के SHO साहब आ गए थे मौके पे ही, तो इन्होंने कॉलें भी करी, थोड़ा गाड़ियाँ कहीं जाम वगैरह में फंस गई बता रहे हैं, गाड़ी आग बुझाने वाली थोड़ा लेट आई, अगर थोड़ा वो जल्दी आ जाती गाड़ियाँ तो लगता है कि इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, वैसे यहाँ पर माली जो है नुकसान हुआ है, जानी किसी का नहीं हुआ है, किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है, किसी को कोई स्क्रेच नहीं आई है, बाकी अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर सब सही है, मोहल्ले के लोगों ने, पड़ोस के लोगों ने आग बुझाने में बहुत सहयोग करा और बहुत मेहनत करी।
पूरे इलाके को खाली करा लिया गया था, मोहल्ले के लोगों ने, सारों ने इलाके को खाली करा लिया था और मोहल्ले के सारे बड़े लोग भी आ गए थे मौके पे, प्रशासन भी आ गया था। फिर जैसे आग बुझाने वाली गाड़ी आई तो उसे मौके पे बुझा लिया गया, आगे बढ़ने नहीं दी गई, उन्हें काबू में कर लिया गया। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। लाइट काटी नहीं गई, ये भी लाइट बहुत लेट कटी BSS वालों को, यहाँ पर लोगों ने बहुत कॉलें करी। लोग बता रहे हैं जैसे जैसे बातचीत हो रही है वैसे वैसे लोग बता रहे हैं, और ऐसा नहीं है सभी के पास नंबर हैं, BSS के भी नंबर हैं और जो आग बुझाने वाली उनके भी नंबर हैं, सबको कॉलें करी, बहुत ज़्यादा कॉलें करी। प्रशासन थोड़ा मौके पर आ गया था पर आग बुझाने वाली गाड़ी लेट आई और लाइन बहुत लेट कटी। अगर लाइन पहले कट जाती BSS की तरफ से, जैसे कट जाती है अक्सर, पर अभी इस मौके पर जो ये वारदात हुई है लाइट थोड़ा लेट कटी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। आप यहीं पर अपनी शॉप पे मौजूद थे या फिर आपको बाद में पता? नहीं, मैं मौजूद था यहीं पर, और यहाँ शॉपें भी शाम में स्टार्ट होती हैं, 5 बजे लोग यहाँ पर अपनी दुकानें लगाते हैं। उस टाइम सारे रोड खुले हुए थे, कोई यहाँ पर ट्रैफिक जाम नहीं था। SHO साहब भी आसानी से आ गए थे मौके पर, गाड़ी सारी आ गई थी, पुलिस भी आ गई थी, रोड कोई जाम नहीं था, रोड सारा खुला हुआ था, पर गाड़ियाँ पीछे से ही बहुत लेट आई। यहाँ पर पुलिस ने भी बहुत कॉलें करी आग बुझाने वाली गाड़ियों को, पर वो क्यों नहीं आए, क्या वजह हो गई, कितना लेट हो गया, ये वही लोग जान सकते हैं, बाकी किसी को नहीं पता। जाम नहीं होता 4 बजे या 5 बजे, क्या जाम होता, सारे रोड खुले हुए रहते हैं, कोई जाम नहीं होता उस टाइम। अभी आप चले जाइए, क्या टाइम हो रहा आप देख लीजिए, बाहर रोड पे कोई जाम नहीं है। उससे लेकिन और देरी होती तो फिर जाम मिलता इनको भी। और जाम मिलता और जो बड़ा नुकसान होता, बाकी मोहल्ले के लोगों ने, पड़ोस के लोगों ने, और जो बेचारे यहाँ मौके पर लोग आ गए थे, अपने भाई लोग सारे, उन्होंने सारे उधर बोर्ड तोड़े कि आग आगे ना बढ़े। जितनी मतलब कोशिश थी मोहल्ले के लोगों ने, पड़ोस के लोगों ने, दुकानदारों ने बहुत अपनी जीन जान तोड़ कोशिश करके उस आग को बुझाने की कोशिश करी, पर वो मौके पे खंभे पे इतनी तेज़ आग लग चुकी थी, वो फिर बाहर हो गई थी। वो तो आग बुझाने वाली ही गाड़ियों का ही वो था कि वो ही कंट्रोल कर सकती थी। बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी हमारी ज़िंदगी के लिए जितनी ज़्यादा ज़रूरी है उतनी ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकती है। क्यों इन तंग गलियों में बिजली के फैलते हुए तार? हादसे कभी भी और कहीं भी हो सकते हैं, बस ज़रूरत है तो एहतियात बरतने की। कैमरामैन शेर सिंह के साथ मैं जोना शिरानी, सलाम टीवी।